स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐश्वर्या राय और आराध्य बच्चन के बारे में। आप सबको पता है कि ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी की है और अभिषेक बच्चन से शादी करने के बाद उनकी प्यारी सी छोटी सी बेटी हुई जिनका नाम है आराध्य बच्चन। जी हाँ, और अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करती है ऐश्वर्या राय, जो कि हम सब ने देखा है कि पब्लिकली अपनी बेटी को कितना ज्यादा प्रोटेक्ट करती है ऐश्वर्या। लेकिन इस वजह से ऐश्वर्या राय को बहुत बार ट्रोल किया गया है और सिर्फ ऐश्वर्या राय को ही नहीं, आराध्य बच्चन को भी बहुत बार ट्रोल किया गया है। वो तो सिर्फ 10 साल की बच्ची है, उन्हें तो इन सब चीजों का ज्ञान भी नहीं है, जिस वजह से हमेशा आराध्य ट्रोल भी होती है। जी हाँ, पनामा केस में फंसने के बाद आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय को लेकर कई किस्से सामने आए हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हमेशा आराध्य बच्चन यानी कि इनकी छोटी सी बेटी को हमेशा ट्रोल किया जाता है, क्यों हमेशा पब्लिकली ऐश्वर्या राय अपनी बेटी को इतना प्रोटेक्ट करती है, क्यों कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती है। इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। रेड कार्पेट हो या कोई मीडिया इवेंट, आराध्य बच्चन जहां भी जाती है हमेशा अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए नजर आती है। अमिताभ बच्चन की बहू और अभिषेक बच्चन की पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन बाहर अपनी बेटी आराध्य का हाथ कभी नहीं छोड़ती है। इसके लिए कई बार उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है, लेकिन ऐसा करने के पीछे ऐश जो वजह बताती है वो बहुत इमोशनल करने वाली है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने हमेशा अपनी बेटी का ध्यान रखा है। ऐश्वर्या राय बच्चन के हमेशा अपनी बेटी का हाथ पकड़ने का कारण माँ बाप ही समझ सकते हैं। हालांकि इस बारे में ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में भी जवाब दिया था। इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या से पूछा गया था कि वो अपनी बेटी को लेकर इतनी प्रोटेक्टिव क्यों है। इस पर ऐश्वर्या ने कहा था कि आराध्य ने बहुत छोटी उम्र से ही लाइमलाइट देखी है, कई बार वो खुश होकर फोटो खिंचवाती है, लेकिन एक बार फोटोग्राफर्स को देखकर वो जमीन पर लौटने लगी थी। मैं बस चाहती हूँ कि हर कोई सुरक्षित रहे और मेरा बच्चा भी सुरक्षित रहे। ऐश्वर्या ने कहा था कि उनके आसपास मीडिया, फोटोग्राफर्स और लोगों की भीड़ होती है और उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है, इसीलिए उन्हें खुद उस भीड़ से बचाना पड़ता है। वो एक पेरेंट होने के नाते बस अपने बच्चे को सुरक्षित और अपने नज़दीक रखना चाहती है। आराध्य के होने के बाद ऐश्वर्या खुद ही सारे काम उनके करती है और नैनी की मदद कम ही लेती है। आराध्य की ऐश की सबसे प्रायोरिटी मानी जाती है और उनके लिए सब कुछ बाद में आता है। जी हाँ, तो ऐश्वर्या राय इसीलिए अपनी बेटी का हमेशा हाथ पकड़ती हैं, लेकिन उन्हें हमेशा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी फैमिली पर बहुत ध्यान देती हैं। ऐश पति अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्य के साथ इस वक्त काफ़ी खुश हैं। हाल ही में ऐश्वर्या राय ने अपने परिवार के साथ वक्त बिताने कई बार उनको बाहर निकलते हुए भी देखा गया है। दरअसल आपको बता दें कि ऐश्वर्या पति अभिषेक के साथ कई बार बाहर जा चुकी हैं। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी आराध्य भी नज़र आती हैं। अब सब जानते हैं कि ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्य से बहुत प्यार करती है। आए दिन ऐश्वर्या बेटी के साथ तस्वीरें शेयर करती है, लेकिन इस वजह से उन्हें ट्रोल भी किया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि ऐश्वर्या बेटी के साथ नजर आई और हमेशा की तरह इस दौरान भी ऐश्वर्या ने अपनी बिटिया रानी का हाथ पकड़े रखा, लेकिन लोगों को बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं आई कि उन्होंने आराध्य का हाथ पकड़ा हुआ था, जिसके चलते उन्होंने ऐश्वर्या को ट्रोल कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐश्वर्या को इसलिए ट्रोल किया और कहा कि वो हर जगह अपनी बेटी को साथ लेकर क्यों जाती है। लोगों का कहना है कि ऐश्वर्या राय अक्सर पब्लिक प्लेस पर अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर रखती है। अपनी बेटी का महज हाथ पकड़ने से लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि कई यूज़र्स ने हद तो तब कर दी जब इसे लेकर उल्टे सीधे कमेंट्स वो करने लगे। यूज़र्स ने ऐश्वर्या को ओवर प्रोटेक्टिव बता दिया। एक यूज़र ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्लीज़ भगवान के लिए बेटी का हाथ छोड़ दो ऐश्वर्या और उसे खुद आज़ाद होकर चलने दो। दूसरे शख्स ने लिखा कि उम्मीद है कि आराध्य को हमेशा स्थिति में रहने से कंधे में दर्द नहीं होता होगा। एक और यूज़र ने लिखा कि उफ़, वो अपनी बेटी को बर्बाद कर रही है, उसकी आज़ादी छीन रही है। खैर, इसी के चलते लोग ऐश्वर्या को ट्रोल हमेशा करते हैं। वैसे इससे पहले इसी को लेकर ऐश्वर्या कई बार ट्रोल हो चुकी है। बता दें कि चाहे कोई भी इवेंट हो या फिर किसी भी तरह का फंक्शन अटेंड करना हो, ऐश्वर्या कोशिश करती है कि वो अपनी बेटी को साथ ही रखे। वहीं आपको बता दें कि सिर्फ बेटी का
हाथ पकड़ने को लेकर वो कई बार ट्रोल हो चुकी है, लेकिन आराध्य भी कई बार ट्रोल हो चुकी है। लेकिन आराध्य के ट्रोल होने का कारण भी हम आपको बता देते हैं कि ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्य का हाथ पकड़े पैपराची के बीच से बाहर आती दिखती है। लेकिन आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन उनके पीछे दिखाई देते हैं, तीनों टर्मिनल से जैसे ही निकल रहे थे तभी आपको बता दें कि आराध्य का उस समय बर्थडे था और लोग उन्हें बर्थडे विश कर रहे थे। लेकिन आराध्य की चाल बदल जाती है, वो ठुमकते हुए और वॉक करते हुए देती है। ठीक इसके बाद ही ऐश्वर्या पैपराची को थैंक यू कहकर हंसने लगती है। आराध्य की बदली जाल के बाद ऐश्वर्या की ये हंसी और बताता है कि उनकी बेटी ने जानबूझकर ये शरारत की थी। हालांकि लोगों ने आराध्य के बचपने को नज़रअंदाज किया और उन्हें ट्रोल कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके बाद उनके वॉक को लेकर कई बातें कही गई कि ऐसी वॉक क्यों कर रही है, दूसरे ने लिखा कि देखो कैसे चल रही है, तीसरे ने लिखा कि इतना मटकना था तो मम्मी का हाथ छोड़ देती। एक अन्य यूज़र है, उन्होंने भी लिखा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको लेग प्रॉब्लम है क्या, ये खुद मटक कर चल रही है। ये कमेंट्स यहीं नहीं रुके, आगे और एक यूज़र लिखते हैं कि इस फनी स्टाइल में क्यों चल रही है, अभी से रैंप वॉक। एक ने लिखा कि माँ ने चलना सिखाया होगा। इसी तरह के कई लोग आराध्य के वॉकिंग स्टाइल पर कमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई लोग ने आराध्य का बचाव भी किया, उन्होंने कहा कि आराध्य बस 10 साल की बच्ची है, हमारे घरों में भी बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं, इसमें बड़ी बात क्या हो गई, बच्चे हैं कुछ भी मन में आएगा तो कर देते हैं। कुछ और भी लोगों ने आराध्य के पक्ष में ही सारी बातें लिखी। जी हाँ, तो एक बार जब आराध्य को बुरी तरीके से ट्रोल किया गया था तो अभिषेक बच्चन खुद सामने आए थे और अभिषेक बच्चन ने कहा था कि जो भी कहना है आप मेरे मुंह पर आकर कहिए, लेकिन मेरी बेटी को इस तरह से ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आराध्य हम सबको पता है कि अभी कितनी छोटी है। जी हाँ, 10 साल की आराध्य बच्चन ने मालदीव में अपना 10वां जन्मदिन मनाया। जी हाँ, आपको बता दें कि आराध्य बच्चन पहली बार नहीं है जो ट्रोल हो रही है, कई बार शायद ऐश्वर्या राय की वजह से, और ऐश्वर्या राय भी कई बार अपनी बेटी की वजह से ट्रोल हो चुकी है, उनकी वॉकिंग स्टाइल की वजह से ट्रोल हो चुकी है। जी हाँ, और आगे भी यूजर्स तो बाज आने वाले हैं नहीं, कमेंट तो उन्हें करना ही है। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि क्यों पब्लिकली हमेशा ऐश्वर्या राय करती है अपनी बेटी आराध्य बच्चन को प्रोटेक्ट। बहुत बार अभिषेक बच्चन को भी गुस्सा आया कि हमेशा क्यों आराध्य को लेकर ऐश्वर्या को ट्रोल किया जाता है, या फिर क्यों आराध्य की बातें ऐसी की जाती है पब्लिकली। इससे पहले कुछ समय पहले की ही बात है जब अभिषेक बच्चन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, अभिषेक बच्चन को इतना गुस्सा आया था कि अभिषेक बच्चन ने कहा था कि जो कहना है मुझे आकर कहो, मेरी बेटी या मेरी पत्नी को कहने से पहले सोच लो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो हमेशा उनकी पत्नी और उनकी बेटी दोनों ही ट्रोल होती है, इस वजह से ऐश्वर्या ने कई बार सामने आकर बात भी की है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।